टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने करीब 18.5 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अफीम को झारखंड से 1,20,000 प्रति किलो के हिसाब से खरीद कर लाए थे, जिसे हरियाणा और पंजाब के जिलों में सप्लाई करना था। पुलिस ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेरा है। हालांकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। यूनिट अम्बाला के द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। कल हमें एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कुछ नशा तस्कर झारखंड से अफीम लेकर के आ रहे हैं। उक्त इनपुट पर कार्रवाई करते हुए हमारी एसटीएफ यूनिट अम्बाला की टीम ने गाड़ी को रुकवाया, जिसमें अमृतपाल नाम के व्यक्ति को काबू करके गाड़ी की तलाशी ली गई। तो डिक्की के नीचे एक जो विशेष स्थान बनाया हुआ था, वहाँ से 18 किलो 560 ग्राम अफीम बरामद की गई है। प्रारंभिक जाँच में ये सामने आया है कि आरोपी अमृतपाल, जो कि कबूलपुर खेड़ा थाना असन जिला करनाल का रहने वाला है, वो बलबीर, जो कि मूल निवासी पुंडरी कैथल से है और वर्तमान में संत नगर करनाल में रह रहा है, उसके साथ में हजारीबाग झारखंड गए थे। पंचकुला के एमडीसी स्थित शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी में हर साल की तरह इस साल भी अश्विनी